अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 से स्टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प समय विधि पत्रों से निराकरण तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के आवेदकों के निराकरण की समीक्षा की गई। सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में उपस्थित के निर्देश दिए गए थे, जिससे सभी अधिकारी मौजूद रहे। आयोजित बैठक के संबंध में अपर कलेक्टर सलीन सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश स्थापना सप्ताह मनाया जा रहा है, आज के बाद सभी कार्य विधिवत समय अनुसार किए जाएंगे। फिर अब हम कैसे चले गए भाई? सर, डिपार्टमेंट क्या कुछ अहमियत है? सामान्य रूप से जिला प्रशासन के द्वारा प्रति सप्ताह साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनसुनवाई और टीएल की बैठक होती है। टीएल की बैठक समय सीमा की बैठक होती है। उस समय सीमा में जो शासन के निर्देश आते हैं, अलग अलग तरह का पत्राचार आता है, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो महत्वपूर्ण समय में करने वाले कामों के संबंध में पत्राचार होता है, उसके लिए बैठक आयोजित की जाती है। साथ ही इसमें सीएम हेल्पलाइन, जन कल्याणकारी अन्य योजनाओं की प्रगति, विभागीय समीक्षा, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और पूरे सप्ताह कार्य करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, वो टाइम लिमिट बैठक टीएल बैठक में दिया जाता है। अभी सीएम हेल्पलाइन के संदर्भ में ही इनको निर्देशित किया गया है कि सीएम हेल्पलाइन में जिले का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है कि कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार टॉप 10 में आने के लिए, और उसी के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज एक राज कपूर ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह का भी आयोजन है मुख्यमंत्री जी के, उसमें आज क्योंकि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का 7वां दिन है, 7वें दिन के बाद फिर सामान्य रूप से कार्यक्रम होंगे, तो उस कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।